कैसे हैं आप? बड़ा बेआबरू और बेइज्जत होके मोहल्ले से निकले थे टल्ली साहब। आपने हमारी तारीफ में जो चंद लाइनें पेश की हैं ना, उससे हम बाग बाग हो गए। हमारा दिल आलम बाग, खुसरो बाग, राम बाग, चुंगी हो गया, मतलब खुश हो गया। वाह वाह, शुक्रिया। टल्ले साहब, आप पान का शौक रखते हैं क्या? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा करते हैं। कभी कभी हमारा भी मन इसे छोड़ देने को करता है। क्यों? क्या है, जब से कुछ चूती है ना, इसे खाना शुरू कर दिया तब से। मतलब शहर की अच्छी सी अच्छी खूबसूरत दीवारों को इन्होंने बदनाम करके बर्बाद करके रख दिया है। गुटखा खा के थूकते हैं, पान खा के थूकते हैं, नहीं तो ऐसे ही थूकते हैं। खैर छोड़िए, और सब खैरियत? जी खैरियत है। आपके शहर का नाम बदल गया, लेकिन आज भी आप अपने नाम के पीछे इलाहाबादी चिपकाए घूम रहे हैं। आज हमारे वालिद अगर जिंदा होते ना, तो उनसे बोलते, अब्बा हुजूर, चलिए 200-300 साल पहले चल के हमें फिर से पैदा कर दीजिए, जिससे टल्ली साहब आज हमसे सवाल ना पूछे। मतलब यार, तुम शेरो शायरी की बात करो, सियासत की बात करते हो यार। बुला गया है शेरो शायरी में बात करने के लिए और सियासत की बात करते हो। अरे नाम बदलता रहेगा, कल उन्होंने बदला था, आज इन्होंने बदला है, कल कोई और बदलेगा। हमें कल भी एतराज नहीं था टल्ली मियां, और आज भी नहीं है। ये तो अदला बदली का खेल चलता रहेगा, तो शासकों और सरकारों का काम है। लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? टल्ली मियां, हमने मुशायरों और महफिलों में बहुत सड़े टमाटर और अंडे खाए, जूते नहीं खाए, तो अब जूते मत खिलवाइए। पहले ये आलम था, दो चार रख के छोड़ दिया करते थे। अभी आलम है कि दम निकलते तक कमबख्त पीटते हैं, जब तक दम नहीं निकलता तब तक पीटते हैं। तो इसलिए हमको बचा के रखिए, शेर व शायरी की बात कीजिए। अभी कुछ दिन पहले का एक वाकया था, हमारी सासू माँ के टखने में दर्द शुरू हो गया। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोले कि इनके जो है घुटने का लुब्रिकेंट जो है ग्रीस सूख गई है, तो उन्होंने हमें एक दवाई की पर्ची और साथ ही नसीहत दी कि इन्हें थोड़ा मूंगफली का बना हुआ मक्खन और नारियल, कच्ची नारियल खिलाइए। सही राय दी। सही दिया ना? मैंने तो डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब कहिए तो सासू माँ के घुटने के बाजू में एक सुराख करा के डायरेक्ट ग्रीसिंग करा दे। डॉक्टर साहब बोले, हमें इलाहाबादी साहब, अगर इतना आसान होता ना ग्रीसिंग करना, तो हमारे क्लिनिक पे आज ताला लगा होता। ये कुदरत का दिया हुआ ग्रीस है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ग्रीस और मुद्दा, क्या क्या बात कर रहे थे यार टल्ली साहब, कहाँ से कहाँ आ गए यार? कुछ मुद्दा गड़बड़ा गया क्या? कहाँ थे हम? मतलब डॉक्टर साहब ने बोला कि कच्ची नारियल और मूंगफली का वो क्या मक्खन, मतलब पीनट बटर। हमने बोला कि कच्ची नारियल सही है, तो हम कच्ची नारियल लेने दुकान पे पहुंच गए। कुछ लड़के आ गए, बदतमीजी बोलता रहे। लड़कों को हम अच्छे से पहचानते थे और घर से भी अच्छे ताल्लुकात थे। बोले तुम मुसलमान हो गए, नारियल खरीदते हो, अपमान करते हो नारियल का। हमने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, हम नारियल कब से खाते चले आ रहे हैं, कभी तौहीन नहीं की, आज क्यों करेंगे? फिर भी नहीं माने, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे। तब जाकर हमें अपनी सासू माँ के टखने और डॉक्टर की दवाई की पर्ची दिखानी पड़ी, तब जाके जान बची। ये मान लीजिए टल्ली साहब, जब से ये मतलब कि ये बड़ा बड़ा फोन आया है ना, तब से लौंडे खराब हो चुके। खैर छोड़िए, और सब खैरियत है? जी अच्छे हैं। आजकल पता नहीं कौन सी चीज़ कब मुद्दा बन जाए, इसलिए हम बोलते हैं, भैया अपना अपना मुद्दा संभाल के रखो।
मुद्दा संभाल के रखिए, नहीं समझा? हमें यार संभाल के मतलब मुद्दा बदलो, क्यों घसीट रहे हो सियासत में? आप दो कौड़ी के शायर हैं, ऐसा आपके मोहल्ले वाले कहते हैं। टल्ली साहब, आपके मोहल्ले वाले आपको बेहतरीन एंकर कहते हैं? जी नहीं, जबकि आप हैं, तो ये जो मोहल्ले वाले होते हैं ना, सबके एक जैसे होते हैं। गालिब साहब के मोहल्ले वाले भी ऐसे ही थे। ये जो आज देखते हैं ना दुकानों पे, आज नकद कल उधार, उधार के लिए क्षमा करें माफ करें, और जो ये तख्तियां देखते हैं ना टंगी, ये गालिब साहब को देखकर शुरू हुई थी। मतलब एक शायर आ रहा है, फक्कड़ आदमी पैसे हैं कि नहीं, टांग देते थे उधार से क्षमा। जब तक जिंदा थे तब तक दो कौड़ी के शायर थे, आज मर गए तो महान हो गए। टल्ली साहब, अब तो हम भी अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी उम्र लंबी हो। बच्चन साहब को कवि नहीं मानते थे, बोले मंच में कविताएं पढ़ते हैं, कवि हैं क्या? आज उनकी मधुशाला को लोग खोज खोज के पढ़ रहे हैं। कद्रदान ज्यादा है, मधुशाला कम पढ़ रही है। खैर छोड़िए, और सब खैरियत है? जी खैरियत है। आपको ये शेरो शायरी की लत कब से लगी? क्या है टल्ली साहब, हम किसी जमाने में दिलफेक आशिक हुआ करते थे। उस जमाने में लोग खून से शायरी लिखकर मोहब्बत का इजहार किया करते थे। आपने कभी खून से शायरी लिखी? जी नहीं, शुरुआत से ही हमारे में हीमोग्लोबिन की कमी थी, और वैसे भी हम खून खराबे से बचते आए हैं, सुनने सुनाने में यकीन करते हैं। तो हमने अपने दिल को कईयों पे फेंका, और जाकर वो एक मोहतरमा पे अटक गया, और हमको उनसे इस कदर मोहब्बत हो गई, मतलब हम जहां भी जाते ऐसे लगता कि खां साहब पीछे से शहनाई बजा रहे हों। हमने उनसे बात करने की कई बार कोशिश की, मतलब मोहतरमा से, लेकिन हिम्मत न जुटा पाए टल्ली साहब। एक दिन हमने क्या किया कि वो कॉलेज के बाहर किसी रिक्शे का इंतजार कर रही थी, और हमने उन्हें देखा और अपनी हिम्मत जुटाई, मतलब बटोर के पूरी इकट्ठी की और उनके सामने पहुंच गए, और चंद लाइनें पेश की। बहुत अच्छी लाइनें हैं, आप सुनिए। इरशाद इरशाद इरशाद। क्या कहूं तुमसे मैं कि क्या है इश्क, वाह 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 वाह। क्या कहूं तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग बला है इश्क। वाह 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 वाह। इश्क ही इश्क है जहां देखो, वाह 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 सारे आलम में भरा है इश्क। वाह इश्क है तर्जो तौर इश्क के तई, कहीं बंदा तो कहीं खुदा है इश्क, और हमको आपसे हो गया है इश्क। ये आपकी लाइन है? मुझे कुछ तो सुनी सुनी लग रही है। पहले हमारी सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। मौसम रुमानी हो रहा है, रुमानियत में बहने दीजिए और आप भी बहिए। माफ कीजिए, बोलिए। इन चार लाइनों ने उन्हें हमारा इस कदर कायल बनाया कि आखिर में उन्होंने हमारी बेगम बन के ही दम लिया। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन गया। यही तो गड़बड़ हो गया टल्ली मियां, कि हमारी बेगम बन गई। हुआ ये कि बेगम बनने के बाद हमारी सोबत में रहते रहते वो भी मिसरे काफिए के जाल में फंसती गई, और आज वो बहुत बड़ी शायरा है। कभी उनकी महफिल में जाइए, आपको उनकी शायरी से ज्यादा जो है ना वाह 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 तालियां मिलेंगी। मैं गया हूं, बहुत अच्छी शायरा है। खाक है अच्छी शायरा। ये जो शायर होते हैं ना, कसम से, मतलब हम जुबान गंदी नहीं करना चाहते टल्ली साहब, मतलब इनको शायरा मिल जाए बस शायरी नहीं सुनेंगे, वाह 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 करते रहेंगे। अभी एक दिन का वाकया है, एक मुशायरे में गए, एक शायर से पूछे,
और शेख साहब खैरियत है? बोले कल मिले थे, आज एड्स हो गया क्या? मतलब इतने बदतमीजी से जवाब उन्होंने दिया। तो सामने से एक मोहतरमा चली आ रही थी, बोला शेख साहब और अच्छे हैं? बोले वाह 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 वाह। हमने कहा शेख साहब ये शायरा नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर हैं। खैर छोड़िए, और सब खैरियत है? जी अच्छा है, अच्छा है। तो हम कह रहे थे वो बहुत बड़ी शायरा है। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बेगम शायरा है, बहुत बड़ी। हम तो खुशी हैं यार टल्ली मियाँ, वही नाराज बैठी हैं। मतलब जब वो शेर व शायरी की दुनिया में आई तब किताबों से उनका ताल्लुकात हुआ। एक दिन वो पढ़ते पढ़ते मीर तकी मीर साहब तक पहुंच गई। मतलब टल्ली साहब उस दिन से वह ऐसी खफा हुई कि आज तक नाराज बैठी हैं। क्यों? हुआ ये कि उस दिन हमने जो उनको चंद लाइनें पेश की थी, मतलब मोहब्बत का इजहार करने के लिए, वो हमारी नहीं थी, मीर तकी मीर साहब की थी। माफ कीजिएगा मीर तकी मीर साहब। उस दिन जब वो रिक्शे का इंतजार कर रही थी, जी आपने बहुत सही पहचाना। खफा होने के बाद भी आप 3 बच्चों के बाप हैं। टल्ली मियाँ आप भी ना बहुत उंगली करते हो। क्या है कि खफा जरूर हैं वो, लेकिन हमारे बीच सारी चीजें होती हैं, बस उसमें मोहब्बत की कमी होती है। इस चक्कर में औलादें पैदा तो हुई लेकिन बड़ी बेगैरत और बदतमीज निकली। अभी जाइए आप उनसे पूछिए कि आप इलाहाबादी साहब के बच्चे हैं, बड़ी बदतमीजी से जवाब देंगे। बोलेंगे हाँ वो हमारे दूर के अब्बा हैं। मतलब हम पर उनको फक्र ही नहीं है, मतलब बाप कहने में उन्हें शर्माती है। खैर छोड़िए, और सब खैरियत है? जी अच्छे हैं। अच्छा तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि मोहब्बत की इमारत की बुनियाद सच्चाई पे टिकी होनी चाहिए, और खासकर उन लौंडों को जो बड़ा बड़ा फोन लिए जो है ना, ये व्हाट्सएप शॉर्ट्सअप 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 खेलते रहते हैं ना, दूसरे की लाइनों को अपना बनाकर दूसरों को चिपकाते रहते हैं और झूठ मूठ का मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। अगर हमें देखकर नहीं सुधरे ना टल्ली मियाँ, तो जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पे ले जाकर लेगी जहां पे वो सिर्फ यही गाते मिलेंगे, जाए तो जाए कहाँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। तो वहीं खत्म करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आपके शहर का नाम बदल दिया गया। टल्ली साहब आप पिटवाने के चक्कर में पड़े हैं यार, ये सियासत की बातें अगर तुमको इतना लगता है ना, तुमसे कह दो सियासतदारों से कि 72-73 साल पीछे चले जाएं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहद मिटवा दें। वो भी तो एक बहुत बड़ा चूतिया पाया जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। एक सवाल और। एक भी सवाल नहीं टल्ली मियाँ, बहुत सवाल का जवाब दे दिए आप। शेर व शायरी भी बात नहीं की, हमारे अंदर कुलबुला रही है शेर व शायरी। फिर हम कभी मिलेंगे, खुदा हाफिज। हमें भी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे दुनिया के इसी चिंदी टुच्चे सस्ते वाहियात द घटिया शो में। नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिए।